हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, मेरा फोन काफी पुराना हो चुका था और वीडियो भी बहुत ब्लर आ रहा है, मतलब हैंग होते जा रहा था। तो गाइस, फाइनली तुम्हारे भाई ने लिया एक नया फोन, तो चलिए इसको करके देखते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये फ्लिपकार्ट की तरफ से डिलीवर हुआ ये फोन, ओपन बुक डिलीवरी था, तो डिलीवरी वाले ने फाड़ फूड़ कर दिया। चलिए इसको करके देखते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग तो ऐसे ही मैं पहले ही निकाल के कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको वीडियो बनाने के लिए इसको फिर से ओपन बॉक्स कर रहा हूँ। ओपन बॉक्स मतलब खोल खाल के दिखा रहा हूँ। तो ये सैमसंग गैलेक्सी A35, इसका प्राइस है 30,100 कितना है अभी, 30,000 ऐसे प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है। तो जब मेरे को ऑफर में मिला तो मैंने लिया इसके फ़ोन का 24,458, उसमें से पैकेजिंग चार्ज था 59 रुपीज़। ठीक है, तो अभी इसको अंदर से खोल के दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हो इसमें कुछ है नहीं, कुछ ये सैमसंग वाला ने कुछ डाल के तो नहीं भेजा है। देख सकते हो फ़ोन, जैसे कि मैंने बताया ये फ़ोन पहले ही अनबॉक्सिंग हो चुका है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें क्या क्या मिलता है उसी को दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें से काफ़ी अच्छे से सजा के रखा हुआ था, वैसे मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही फिर से अंदर डाला तो अच्छे से नहीं फिट नहीं हुआ। तो इसमें सिर्फ एक चार्जर केबल देता है, इसमें घुसाने वाला नहीं देता है, मतलब एडाप्टर नहीं देता है उसको, हालांकि हम लोगों को ख़रीदना पड़ता है, जिसका प्राइस 1600-1700 रुपया है। तो उसको भी मैं डिस्काउंट में लिया है 958 सिर्फ। आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, सिर्फ इसका 958 दे के ख़रीदा है। इसका कपड़ा भी था, वो नंगा है, अभी नंगा कर दिया मैं। ये कपड़ा भी है 25 वाट का, उतना चार्जिंग स्पीड एक घंटा 20 मिनट जैसे में फुल होता है। तो देख सकते हो फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। हाँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और इधर इधर स्पीकर रहता है, इधर दो दो स्पीकर है। ये क्या पता नहीं, मेरे को भी तो मालूम है नहीं अभी तक। जो इधर टाइप सी केबल है, टाइप सी टू टाइप सी चार्जर की चार्जिंग केबल है, इधर भी टाइप सी रहता है, तो अंदर घुसाने वाला भी टाइप सी रहता है, इधर सिम डालने वाला रहता है इधर। और वो कवर में आपको बोलना भूल गया, इधर घुसाने वाला भी दिया गया था, पता नहीं इसका चाबी मतलब किधर रख दिया मैं, सिम इजेक्टर। तो ये भी क्या है, ये भी स्पीकर होगा, दोनों साइड स्पीकर है क्या पता नहीं। अभी लिया है तो मैं उतना देखा भी नहीं इसका। फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इधर ग्लास बैक है, इधर फ्रेम में प्लास्टिक फ्रेम है। तो अभी देख सकते हो, आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये तो मेरा ही थोपड़ा है, आप लोग रोज़ देखते होंगे। तो इसकी कैमरा की बात करूँ तो 50+8+5 मेगापिक्सल है, मतलब जो मेन कैमरा है मेरा 58 है पीछे का, और एक 8 मेगापिक्सल और एक 5 मेगापिक्सल। जैसे कि ये 50 मेगा, ये 8 है 5 मेगापिक्सल। जैसे कि इसका कैमरा काफ़ी 10x तक जूम होता है, और इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है। एक बार नाइट बाहर का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखो इतना रात में भी अच्छा से दिख रहा है, ये फ़ोन में नहीं दिख रहा है, मतलब उस वो फ़ोन में काफ़ी अच्छा से दिख रहा है। तो ये फ़ोन में मेरे को क्या अच्छी चीज़ लगी, जैसे कि हम लोग वीडियो वगैरह बनाता है, जैसे कि किसी के पास कोई काम नहीं है, फालतू इंसान रहता है जो ब्लॉगिंग करता है, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। मतलब काफ़ी फ़ोन में मैंने देखा नहीं है कि ये फीचर है, इसमें फीचर है, इसीलिए शायद इसको ओसम सीरीज कहा गया है। ओसम मतलब ए सीरीज को ओसम सीरीज कहा जाता है ये सैमसंग का। तो अभी इसको जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे प्ले कर दिया तो काफ़ी फ़ोन में फिर से अगर हम लोगों को फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड करना हो तो इसको वीडियो को ऑफ करके फिर से बनाना पड़ता है। काफ़ी फ़ोन में ऐसा देखा है, मैंने आज तक भी ऐसा फ़ोन नहीं देखा, मतलब शायद मैं यूज़ नहीं किया है कि ऐसा। जैसे कि अभी देख सकते हो
अभी बैक रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऐसे करोगे तो फ्रंट में भी रिकॉर्ड होता है, मतलब एडिट करने के कोई झंझट नहीं है। जैसे कि ये फालतू लोगों का, जैसे कि मेरा बोल सकते हो, और जितना भी ब्लॉगर रहता है वो लोगों के लिए ये फ़ोन अच्छा रहता है, ठीक है। एडिट विडिट करने के झंझट नहीं, जैसे कि वैसे जैसा आए वैसा डाल दो। तो कैमरा आपको दिखा दिया, बाकी कुछ कहना नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, ठीक है।